हेलो, आज हम जूलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मछलियों में शल्क व पंख के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एमएससी जूलॉजी का और कॉलेज व्याख्याता के लिए तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले देखते हैं शल्क मछलियों में बायोकेमिकल रक्षात्मक स्तर के रूप में अनुकूलन के फलस्वरूप विकसित हुआ है, यानी ये बाय कंकाल के रूप में पाए जाते हैं। ये मेजोडर्म से बना होता है। अन्य स्थलीय कशेरुकियों में भी शल्क पाए जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और एवीज में, लेकिन ये एपिडर्मल संरचनाएं होती हैं, ये अधिचर्मी संरचनाएं होती हैं। मछलियों के शल्क के चर्मी शल्क कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति मीजेनकाइंड से होती है। ये महीन यानी बहुत ही पतले श्रृंगित या संगी पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। अब मछलियों में कौन कौन से शल्क पाए जाते हैं? मछलियों की अनेक जातियों में पांच प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। ये हैं कॉस्मोइड, प्लेकोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड। अब इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। ये कौन सी मछलियों में पाया जाता है और किस प्रकार का होता है ये? पहला है कॉस्मोइड शल्क। ये शल्क आधुनिक मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। ये विलुप्त पॉलीसाकिट मछलियों क्रोसोप्टेरिजाई में होते थे। इनके जीवाश्मों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ये चार स्तरों में पाए जाते थे। सबसे बाहरी स्तर है गेनोइन, कोस्मी, स्पंजी अस्थि और सबसे आंतरिक स्तर था ठोस अस्थि। सेकंड है प्लेकोइड शल्क, इनको पट्टाव शल्क भी कहा जाता है। इस प्रकार के शल्क इलास्मोब्रेंक मछली में पाए जाते हैं। ये शल्क डर्मिस में दसी सम चतुर्भुजाकार आधार पट्टिका से उद्गमित होता है। आधार पट्टिका सीमेंट जैसे पदार्थ कैल्शियम युक्त डेंटाइन से बना होता है, वह सूल डेंटाइन पदार्थ से बना होता है तथा इनेमल से बनी कठोर परत से आवृत रहता है। प्लेकोइड शल्क त्वचा में पास पास फिट होकर के इसको रेगमाल के समान विशेषता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है गेनोइड शल्क। ये सम चतुर्भुजाकार मोटी अस्थि पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनके शीर्ष नुकीले होते हैं। ये मछली की त्वचा पर तिरछे टैल के समान एक दूसरे के निकट या परस्पर ढकते हुए उपस्थित रहते हैं। ये मछली को एक अस्थि कवच प्रदान करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पेलियोनिस्कोइड शल्क और लेपिडोस्टियोइड शल्क। पेलियोनिस्कोइड शल्क पॉलिप्टेरस मछली में पाए जाते हैं और लेपिडोस्टियोइड शल्क लेपिडोस्टियस मछली में पाए जाते हैं। चौथा है साइक्लोइड शल्क, इनको चक्राव शल्क भी कहते हैं। इस प्रकार के शल्क पतली लचीली अर्ध पारदर्शी गोलाकार पट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनकी सतह पर अनेक संकेंद्रित वृद्धि रेखाओं के चिन्ह पाए जाते हैं, जिससे मछली की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फुप्फुस में कुछ होलोस्टियंस जैसे एमिया में, टीलियोस्टियंस आदि में पाए जाते हैं। टीनोइड शल्क, इस प्रकार के शल्क आधुनिक अस्थिर मछलियों जैसे पर्च और सनफिश में पाए जाते हैं। इनकी सतह पर भी समकेंद्रित रेखाएं साइक्लोइड की भांति पाई जाती है, लेकिन ये साइक्लोइड से इस प्रकार से भिन्न है कि इनके भीतरी पश्च सिरों पर असंख्य छोटे छोटे कंघे के समान दांत या सूल पाए जाते हैं। यानी कि कंघे के समान सूल पाए जाने के कारण इसको कंकताप शल्क भी कहते हैं। प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस मछलियों जैसे फ्राउंडर्स, इसमें दोनों प्रकार के शल्क पृष्ठीय टीनोइड और प्रतिपृष्ठीय साइक्लोइड दोनों पाए जाते हैं। यानी कि टीनोइड और साइक्लोइड दोनों प्रकार के शल्क पाए जाते हैं फ्लाउंडर्स में। अब देखते हैं मछली में पंख। प्रोड मछली में पंख दो प्रकार के होते हैं, अयुग्मित माध्यिक पंख और युग्मित पार्श्व पंख। पहला अयुग्मित माध्यिक पंख, इनमें मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ एक या दो पृष्ठ पक्ष, डोर्सल फिन, गुदा पक्ष और पुच पक्ष शामिल होते हैं।
यानी तीन तरह के पग इसमें शामिल होते हैं अयुग्मित माध्यिक पग में। दूसरा है युग्मित पार्श्व पग, इनमें आगे की ओर अंश पग और पीछे की ओर श्रोणी पग शामिल किए जाते हैं। देखते हैं पगों के उपयोग। मछलियां मुख्यतः पूंछ और पुच्छ पग की पार्श्व गतियों के द्वारा तैरती है। अन्य पग परिचालन यंत्र और दिक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। केवल एक ही है पुच्छ पग, इसकी पार्श्व गतियों के द्वारा मछलियां तैरती है। बाकी के पग हैं वो तैरने में सहायता करते हैं और दिशा नियंत्रण में सहायता करते हैं। शरीर की विश्रामावस्था में युग्मित पार्श्व पग संतुलन बनाए रखते हैं। जब विश्राम अवस्था में होती है मछलियां तो युग्मित पार्श्व पग बैलेंस बनाए रखने में सहायता करते हैं। पग अन्य प्रयोजन हेतु भी रूपांतरित होते हैं, जैसे पुप्पुस मीन प्रचलन के लिए इनका पाद के रूप में प्रयोग करती है। उड़न मीन अपने विस्तृत अंश पगों का प्रयोग विसर्पण हेतु करती है। कुछ नर कॉन्ड्रिक्टीज में श्रोणी पग आलिंगकों के रूप में बदल जाते हैं। कुछ टीलियोस्ट में गुदा पग एक प्रवेशी अंग या अंड निक्षेपक बनाता है।